हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक कैनिज़ारो रिएक्शन, क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शन डिस्कस करेंगे आपके साथ। एल्डिहाइड और कीटोन की ये बहुत फेमस रिएक्शन मानी जाती हैं, कैनिज़ारो और क्रॉस कैनिज़ारो। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिरकार क्वेश्चन कैसे आएगा, तो उसके बाद डिस्कशन करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है कैनिज़ारोज़ रिएक्शन एंड क्रॉस कैनिज़ारोज़ रिएक्शन। यानी कि हम लोग आज डिस्कस करेंगे आपके साथ कैनिज़ारो और क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन। तो पहले तो आपको ये बताएं कि कौन से कंपाउंड कैनिज़ारो और क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन शो करते हैं। तो कैनिज़ारो रिएक्शन जो शो करने वाले कंपाउंड होते हैं वो वह एल्डिहाइड होंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए, ये क्वेश्चन आ जाए कि कैनिज़ारो रिएक्शंस कौन से कंपाउंड एग्जिबिट करते हैं, शो करते हैं, तो आप बताएंगे कि कैनिज़ारो रिएक्शन केवल वही एल्डिहाइड शो करेंगे, वही कंपाउंड शो करेंगे जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो कैनिज़ारो रिएक्शन इज शोन बाय ओनली दोज एल्डिहाइड्स इन विच अल्फा हाइड्रोजन एटम्स आर एब्सेंट, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम एब्सेंट रहते हैं। तो अब ये जान ले किन में अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट रहते हैं। तो पहला तो एक फॉर्मेल्डिहाइड है, HCHO के नाम से जानते हैं इसे हम लोग, ये फॉर्मेल्डिहाइड है। और ये फॉर्मेल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल जब रिएक्शन करेंगे हमारे, जब दो मॉलिक्यूल रिएक्शन करेंगे NaOH के साथ, तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो एक होगा CH3OH और एक होगा HCOONa, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, यानी कि सोडियम फॉर्मेट बनेगा और एक मेथेनॉल बनेगा। कभी कभी होता क्या है, बच्चा कंफ्यूज कहां कर जाता है, होता यह कि अक्सर पेपर में इस तरीके की रिएक्शन आ जाती है, HCHO यहां पर NaOH एरो पे लिख दिया और यहां क्वेश्चन मार्क बना दिया। तो बच्चा करता क्या है कि बच्चा यहां पर HCOONa बना करके चला आता है, जो एक रॉन्ग आंसर में काउंट हो जाता है और नंबर नहीं मिलते हैं। तो आखिरकार नंबर क्यों नहीं मिलते, क्योंकि हम लोग रिएक्शन को जज नहीं कर पाए। यानी हमें करना क्या है, हमें अगर कभी भी फॉर्मेल्डिहाइड के साथ NaOH और लिखा हुआ है तो आप मान लीजिए कि हमें कैनिज़ारो रिएक्शन याद आ जानी चाहिए। तो ये एक ऐसा कंपाउंड है, ऐसा एल्डिहाइड है जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं और ये कैनिज़ारो रिएक्शन शो करता है। दूसरा मॉलिक्यूल अगर C6H5CHO ले लें, यानी कि बेंजल्डिहाइड ले लें और इसकी रिएक्शन NaOH से करा दें, तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो C6H5CH2OH मतलब बेंजाइल अल्कोहल मिलेगा और साथ में C6H5COONa यानी कि सोडियम बेंजोएट मिलेगा। दिस इज ऑल्सो कैनिज़ारोज़ रिएक्शन। तो कैनिज़ारो रिएक्शन कौन से कंपाउंड शो करेंगे, याद हो गया ना, कैनिज़ारो रिएक्शन शो करेंगे आपके वो एल्डिहाइड जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे। और अल्फा हाइड्रोजन किस में नहीं है, फॉर्मेल्डिहाइड में नहीं है, बेंजल्डिहाइड में नहीं है, और भी कंपाउंड्स हैं, लेकिन आपको एटलीस्ट ये दो कंपाउंड याद रखने पड़ेंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने के साथ ही कैनिज़ारो रिएक्शन शो करते हैं। अब ये तो कैनिज़ारो हो गए, क्रॉस कैनिज़ारो नाम इंडिकेट करता है, क्रॉस करवाना, यानी कि दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स विदाउट अल्फा हाइड्रोजन एटम, ऐसे दो एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होते हैं। तो ऐसे दो डिफरेंट एल्डिहाइड में ही ले लेते हैं C6H5CHO और एक HCHO ले लेते हैं। दोनों की रिएक्शन जब कराएंगे तो प्रोडक्ट हमारे पास होगा C6H5CH2OH, एक बेंजाइल अल्कोहल बनेगा और एक HCOONa सोडियम फॉर्मेट बनेगा। दोनों का मिक्सचर मिलता है, इसका ये और इसका, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट मिल जाते हैं, इसलिए इसको नाम दिया गया है क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन और इसको नाम दिया गया है कैनिज़ारोज़ रिएक्शन। तो ये है कैनिज़ारोज़ रिएक्शन और ये कहलाती है आपकी क्रॉस कैनिज़ारोज़ रिएक्शन। तो बच्चों बहुत सिंपल है, यानी रिएक्शन आप
किससे करानी है, यहाँ पर NaOH लिख लेना है, यहाँ ऑलरेडी रिएक्शन करा रखी है मैंने। तो कभी भी बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से आ जाए, पेपर में ऐसे आ जाए C6H5CHO, यहाँ NaOH ले लिया जाए, तो बिल्कुल आंख बंद करके याद कर लीजिए ये कैनिजारो रिएक्शन रही होगी। तो ये बात याद रखना पड़ेगी आपको। अगर HCHO भी आया और फिर NaOH आया तो कोई सोडियम वोडियम सॉल्ट नहीं बनाना है, सिर्फ याद रखना है कैनिजारो रिएक्शन है ये, तो आप आसानी से समझ जाएंगे। इसी तरीके से दोनों का मिक्सचर भी अगर आ गया C6H5CHO और HCHO, तब भी आप समझ जाएंगे कि वो कौन सी रिएक्शन है, कैनिजारोज रिएक्शन। तो आज के बाद आप नहीं भूलेंगे ना कैनिजारोज रिएक्शन। तो कैनिजारोज रिएक्शन कौन सो करते हैं, वो एल्डिहाइड सो करते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। अब बच्चों के मन में क्वेश्चन आ गया होगा कि अल्फा हाइड्रोजन क्या, सर ने बता दिया, अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है। अगर हम लोग देखें तो ये CHO एक फंक्शनल ग्रुप है, अगर आगे 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इस जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन होता है वो जीरो काउंट होगा, उसके बाद अल्फा, बीटा, और अगर कार्बन है तो गामा, और कार्बन है तो डेल्टा एंड सो ऑन। यानी कहने का मीनिंग ये है कि जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसको जीरो मानते हुए आगे अल्फा, बीटा, गामा चलाते हैं हम लोग। तो इसका मतलब है कि HCHO को अगर आप देखें तो HCHO के अंदर अगर ये वाला ग्रुप जीरो है तो आगे अल्फा कार्बन ही नहीं है। जब अल्फा कार्बन नहीं है तो इसका मतलब ये क्या हुआ, विदाउट अल्फा कार्बन कंटेनिंग एल्डिहाइड हो गया। तो अब आपको याद हो गया होगा कि कैनिजारो और क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। तो इस रिएक्शन, दो सिंपल रिएक्शन है, दोनों को पढ़ लीजिए आराम से और बढ़िया से रिवाइज कर लीजिए, और इंतजार करिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा एल्डोल कंडेंसेशन एंड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, बोर्ड में आना ही है इन रिएक्शंस को, इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस मानी जाती हैं। तो जब तक रिवाइज करिए और फिर हम आपसे दोबारा